चल देख लो, शांत हो जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी से भी नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट है, और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो आपको वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसमें, जो मतलब बोर्ड में आए हुए हैं हर टाइप के क्वेश्चन। अब देखो एंट्री कैसे करना, मोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों आकाश, पहले ये देखो, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जीरो से ए वाली क्या होती है कि ए माइनस एक्स पुट कर दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो दोबारा से यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। समझो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हमारा होता है जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, यही तो होता है। और ए की जगह वैल्यू क्या, वन, तो एक्स को हम वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द सेम क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो भैया अब हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, दोबारा क्वेश्चन वही मिल गया, अब कैसे करें? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे में हम अब करेंगे जुगाड़बाजी। क्या जुगाड़बाजी हम करेंगे कि भैया समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो हमने क्या किया, कॉट को क्या टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते ना इसको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्या, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का यूज़ किया, कुछ मिला ही नहीं हमको, तो अब जुगाड़बाजी हो रही कि कॉट को टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, जीरो से वन टेन इनवर्स वन, दोनों में से मैंने क्या माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, वन माइनस का एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, ऊपर क्या भैया, वन, तो क्या हम इस वन को एक्स वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखो जरा कैसे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन आ गया, और जो चीज़ नीचे है वो ऊपर लिख दी। अब ये बन गया फॉर्मूला चैप्टर टू क्लास ट्वेल्थ का, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस, यही तो होता था। तो देखो इसको मानो एक्स और इसको मानो पूरा वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो क्या हम इसको, क्या हम इसको जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना है जी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक और लॉजिक बचा लास्ट, बाकी फिर तब तो सिंपल ही हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा निकाल सकता है भैया आईलेट वाले फॉर्म से। प्रॉब्लम आ रही सर टेन इनवर्स वन माइनस एक्स का क्या करते, अब देखना यहीं से, ये सब प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे। मैंने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ किया जीरो से वन वाली, मतलब वन माइनस एक्स का, तो ये टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। देखो कैसे, इसको मैंने लिखा टेन इनवर्स वन माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, वन माइनस एक्स, प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया मैंने। ठीक है, आप अगर एक काम आकाश ये भी कर सकते, अगर बाई चांस ये लॉजिक एग्जाम के टाइम आपको नहीं आता है तो इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग आंसर तो भी आएगा, और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक दो लाइन यहाँ से बच जाएंगी बस आपकी। तो जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, जीरो से वन, अब देखना जरा माइनस के अंदर एंट्री होती है तो ये माइनस का बनी प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, आ गया ना टेन इनवर्स एक्स, तो ये दोनों सेम हो गए, तो हमारे को टू जीरो टू वन टेन इनवर्स। अब इसमें लगाना पड़ेगा आईलेट, क्या टेन इनवर्स एक्स को वन इंटू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, आईलेट लगाएंगे इस, किसी को फर्स्ट फंक्शन मानो किसी को सेकंड मानो, तो आईलेट आपको पता होना चाहिए आई का मतलब क्या होता है इनवर्स, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब ये टू है इसको ऐसे लिख दो, अब इंटीग्रेशन हम लोग करने आ रहे हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ो टेन इनवर्स एक्स, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़ा है उसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन वन डी एक्स, और लिमिट क्या है जीरो से वन। ठीक, तो आ जाओ जी, टू टेन इनवर्स एक्स, वन का क्या हो गया जी एक्स, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स इसका, और वन का क्या हो गया जी एक्स।
अब देखो टू का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू का मल्टी इसके साथ भी होगा टू का, मैंने क्या किया इस टू का इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो जी नीचे वाले को लेट किया, ऊपर वाला शहीद हो गया हमारा, ये बात समझ आ रही है। वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो गया, तो ये कैंसिल ही हो गया, तो टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स, ये समझ आया सभी को। अब देखो यार इतना तो हम लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इतना तो आना चाहिए, इस पूरे को लेट करके ये कैंसिल वन अपॉन टी का लॉग टी, इतना तो डायरेक्ट बनता है यार, अब उसको क्यों स्टेप बढ़ाएं। तो बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉजिक खत्म हो गया, केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ करना आ रहा है ना। हाँ जी आ रहा है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं एक्स की जगह क्या करते हैं जी वन पुट करते हैं, तो टू ये तो वन ही हो गया, टेन इनवर्स वन माइनस लॉग वन प्लस वन टू, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पूरा ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। पूछो कैसे, ज़ीरो का मल्टी पूरा ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो, लॉग वन क्या होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो को लिखो या फिर मत लिखो, हटाओ इसको। चलिए टू वन वैल्यू होती है पाई बाई फोर की, तो इन्वर्स कट गया कितना बचा पाई बाई फोर, माइनस का लॉग टू, टू टू जा फोर, तो आंसर आया पाई बाई टू माइनस लॉग टू, दिस इज योर आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था अगर, ये ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था कि जिसमें हम कुछ भी लिख ही नहीं पा रहे थे, हमको हमारा लॉजिक था प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा क्या करते, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि होता है कि आप थोड़ा बहुत करके आओगे स्टैम मार्किंग से थोड़े बहुत तो मार्क्स मिलते, लेकिन इसमें हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ऐसे जुगाड़बाजी कर सकते हैं। ठीक है लिख लो इसको। चलो रोहित शर्मा छोड़ दिया, देख लो आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया भैया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों के, देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ एलिप्स, एक एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन है, और देखो एक एलिप्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। कह रहे हैं कि अब भैया इनफाइनाइट बनेंगे लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका ग्रेटेस्ट एरिया होगा, सही बात है, कह रहे हैं जिसका एरिया सबसे बड़ा है उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे प्रूफ वाले हैं, तो प्रूफ वाले में क्या हमारे पास एक विजन होता है कि भैया ये चीज़ लेके आनी है, तो जुगाड़बाजी करके हम लेके आ जाएंगे, बट यहाँ नहीं पता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक एलिप्स के बेसिक पता होना चाहिए आपको, इसमें क्या करते हैं 16 से हम डिवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सा फील आएगा 11th की तरह कि ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ऐसे तो होता है ना एलिप्स की इक्वेशन। अब एक्स के नीचे 16 वाला बड़ा है, मतलब ये जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, इतना सब आपको पता होना चाहिए 11th का, तो कोई ज़्यादा टेंशन मत लो कि तुम्हें 11th का नहीं आता तो कोई दिक्कत है। चलिए इस तरीके से ही है क्योंकि डायग्राम का बहुत बड़ा खेला होता है, अगर तुमने इसको ऐसे बना दिया टीचर देख के काट देगा फिर, कि बच्चे को यही नहीं पता, इसलिए इतना बस पता होना चाहिए। तो हमने ये एक बना दिया भैया एलिप्स, मान लो ये रहा, ये हमारे हमने एक एलिप्स बना दिया, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। अगर मैं आपको रफली बना के दिखाऊं यहाँ पे समझाऊं, ऐसे एक रेक्टेंगल ये बन गया इसके अंदर, देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया इसके अंदर, एक रेक्टेंगल, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसकी बाउंड्री से ही टच करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। ठीक है तो जिसका एरिया सबसे बड़ा उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी, तो हमने लेट कर लिया कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, हमने कहा भैया ये है जो कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया होगा, तो हमने ये बना दिया, मान लो इस तरीके से ये रहा वो रेक्टेंगल जिसकी हमें तलाश है और इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। अच्छा एक बात सुनो, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90, सारे एंगल 90, और जहाँ पे एक्सिस आपस में कट करती हैं ये भी एंगल क्या होते हैं जी 90। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इलिप्स जो होता है या पैराबोला होता है हाइपरबोला, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं, मतलब जितना रेक्टेंगल इसके इधर होगा उतना ही इसके इधर होगा। ठीक है और वैसे भी समझ सकते हैं ये लाइन पैरेलल हैं तो सीधे ही होंगे एकदम ना, तो टेंशन वाली बात नहीं। लेंथ अगर सपोज मैंने लेंथ अगर 2a ली है तो ब्रेथ मैंने 2b लेट कर ली है, कर सकते ना जी, इसमें आप मना नहीं कर सकते। तो एक बात सुनो यार जरा, अगर ये पूरा 2a है तो इतना a हुआ ना और इतना क्या हुआ b, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जी a कॉमा b नहीं हो गए? अब आप कहेंगे सर आपने 2a क्यों लेट किया, अगर यार तुम इसको a लेते तो ये a बाई 2 हो जाता और b बाई 2 हो जाता, इसलिए हमने पहले जुगाड़बाजी करके इसे
टू ए ले लो, ए बी सी डी। अब कायदे में देखा जाए हमको टू ए और टू बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एरिया जो हमको मैक्सिमम दिखाना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो होता है एल इंटू बी, मतलब क्या होगा जी टू ए इंटू टू बी, मतलब फोर ए बी। ये हमको मिल गया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट प्रॉब्लम आ रही सर किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्यों ए और बी दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल अगर आगे पीछे होगा तो ए और बी की वैल्यूम चेंज होगा। बड़ी समस्या आ रही कि सर किसके रेस्पेक्ट में करें, ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में, बस यही खेला है। तो एक बात ना बताओ यार जरा, क्या ये जो ए कॉमा बी पॉइंट है क्या ये एलिप्स पर है? बिल्कुल है। तो क्या ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी, तो ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि यार ए की वैल्यू निकालो भैया, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 16 माइनस फोर बी स्क्वायर, यस और नो? ए की वैल्यू यही तो होगी, तो ए की वैल्यू हमने किए निकाल दी, ठीक है जी। और ये ए की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे क्या किया जी, पुट कर दिया। तो ए बराबर 4 और ए की जगह 16 माइनस फोर बी स्क्वायर और ये हमारा बी। कोई दिक्कत? अब से एक बात सुनो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, मतलब इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक काम ना करें यार, हम ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल दें, अगर ए मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। क्यों किया सर ऐसा? अंडर रूट हटाने, कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये बी का स्क्वायर और ये बचा 16 माइनस 4 बी का स्क्वायर। क्लियर है? मैंने क्या कहे, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो 16 4 जा 64 और ये बी स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन गया तो 4 माइनस का बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक हमने कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगा दिया। अब ए स्क्वायर को थोड़ी देर के हमने लैड कर लिया, मान लो p, क्या लैड कर लिया p, तो मतलब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 64 बी स्क्वायर और 4 माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर इसका, वैसे ना कर सकते यार, मल्टीप्लाई भी कर दो, 4256 बी स्क्वायर और माइनस 64 बी की पावर 4। ठीक है, करो डिफरेंशिएशन, तो डी पी अपॉन डी बी, तो ये 256 दूनी 512 बी माइनस 200, नहीं यार सही कह रहे हो, 256 बी क्यू, मतलब इसका होगा 4 बी 3 और 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा क्या होगा डिफरेंस। अगला स्टेप क्या होता था, इसको रखते थे किसके बराबर? 0 के। तो डी पी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 0, रखो भैया 512 बी माइनस का 256 बी की पावर 3 इक्वल्स टू 0, 512 बी ये उधर जाएगा, 256 बी क्यू, एक बी से एक बी शहीद हो गया और 256 से कितनी बार चला गया ये? दो बार, तो 2 बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर रूट 2, प्लस माइनस होगा लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बी की वैल्यू रूट 2 यूनिट। लेकिन हमको ये मैक्सिमम भी दिखाना भाई साहब, और दिखाना पड़ेगा बोर्ड में आपको, तो इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएसन करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 512 और माइनस 256 तिया कितने होते हैं, अब देखो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, समझना। अब ये यहाँ पे रखो बी की जगह रूट टू, तो एक बात समझो, 256 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 512 से तो वैसे भी ज़्यादा है, और रूट टू का और स्क्वायर होगा तो और आंसर ज़्यादा आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो बी इक्वल्स टू रूट टू इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बस बी की वैल्यू निकल के आ गई, अब हमको ए निकालना है, तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ए इज इक्वल्स टू 16, 4 बी कितना है जी रूट टू का स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 8 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी है भैया जी रूट 8, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट, बट हमको फाइंड करनी लेंथ, और लेंथ कितनी थी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 रूट 2 यूनिट, और ब्रेथ क्या थी 2b, तो b की वैल्यू कितनी 2 रूट 2 यूनिट, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देख लो अच्छा क्वेश्चन था ये भी एबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च होता है,
ये क्वेश्चन है बहुत काम का, तुम लोगों के नंबर के साथ साथ बहुत काम का है। देखो कैसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं यार पहले ना, उसके बाद फिर देखते हैं। कह रहे हैं कि इन अ रिमोट एरिया, देखो नॉलेज के लिए बता दें रिमोट एरिया क्या होते हैं, ऐसे एरिया जो शहर से बहुत दूर होते हैं। बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड एरिया को भी मैं भी कास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड। अरे यार जैसे मान लो तुम सिटीज़ में हो, अब सिटी में तुम बहुत बड़ा स्कूल तो लोगे नहीं, तो लोग करते क्या, गांव में जाके एक बहुत बीघे में ज़मीन ले ली। और मतलब रिमोट एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो गांव जो सिटीज़ से दूर रहते हैं वो अपना एक छोटा सा सिटी बना लेते हैं, वहीं पर सब्जी वब्जी रख लेते सब और कुछ भी कर लेते, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ओनली बॉय कॉलेज, रिमोट एरिया है मतलब शहर से दूर है, वहाँ पे केवल क्या है बॉय कॉलेज है, और वहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, ठीक है। और तीन लोग हैं ए बी एंड सी, ये जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो कह रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल द चांस ऑफ देयर सिलेक्शन, मतलब ए प्रिंसिपल बन जाएगा और बी और सी इनका रेशियो दिया गया 4:2:3। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए इफ सिलेक्टेड, संभावना क्या, अगर ए सिलेक्ट हो गया मतलब ए प्रिंसिपल बन गया तो भाई साहब वो इस कॉलेज को एजुकेशनल कॉलेज बना देगा। मतलब अभी तो बॉय कॉलेज था, अब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पे ठीक है तो को एजुकेशनल कॉलेज, इसकी संभावना क्या है 0.3। अगर बी जीत गया तो वो इस कॉलेज को एजुकेशनल स्कूल बना देगा, इसकी संभावना क्या है 0.5। और सी अगर जीत गया तो इसकी संभावना है कि वो 0.8, 80% चांस है कि वो इसको को एजुकेशनल स्कूल बना, तो आपको तो सी ही पसंद आएगा। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉलेज विल बी कोएजु, क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल कॉलेज बन जाएगा जो अभी तक केवल बॉय कॉलेज था। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इंट्रोड्यूस एजुकेशनल कॉलेज, मतलब क्या संभावना है कि जो ये एजुकेशनल कॉलेज बनेगा वो बी के द्वारा बनेगा, इसकी संभावना क्या। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हौच-पौच नहीं। तो देखो देखते हैं जल्दी से, ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4, उसकी 2, इसकी 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए जीत जाएगा इसकी संभावना क्या 4, और टोटल कितना है 3, 2, 5, 4, 9, 4/9। ये छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, मतलब 4x ले लो, 2x ले लो, 3x ले लो, ठीक है सर। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जी क्या हो जाएगी 2/9, और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9, ठीक है भैया। अच्छा अब आगे कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए इफ सिलेक्ट, अगर ए जीत गया तो 0.3% है, मतलब 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वो एजुकेशन कॉलेज बन जाएगा। तो एक इवेंट हम ई लेते हैं, हम कहते हैं कॉलेज कॉलेज विल बी को एजुकेशनल। अब समझ रहा ये 0.3 क्या है, ये कह रहा है अगर ए जीत गया मतलब ए जीत चुका है, मतलब ए इवेंट हो चुका है, फिर कॉलेज को एजुकेशनल बन जाए, इसकी संभावना क्या है 0.3। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर बी जीत गया मतलब बी जीत चुका है, फिर वो को एजुकेशनल कॉलेज बन जाए, इसकी संभावना 0.5। अगर सी जीत गया फिर वो कॉलेज को एजुकेशनल बन जाए, इसकी संभावना क्या है 0.8, ठीक है। इतना गिवन है, तो पहला पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल बनेगा, मतलब पीई हम चाहते हैं को एजुकेशनल बनेगा, और सही बात है को एजुकेशनल बनेगा ना, ये या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या फिर सी जीतेगा, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी है। अब को एजुकेशनल चाहते हो सकता है, हम चाहते हैं कि वो को एजुकेशनल बन जाए, अगर क्या पता ए जीता और ए जीत चुका है फिर को एजुकेशनल बना देगा, तो ई बाई ई, या फिर ये हो सकता है अगर बी जीता और बी जीता है तो पक्की बात है वो इसको को एजुकेशनल बनाने के लिए 0.5 कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है अगर सी जीता तो फिर वो भी कोशिश करेगा बनाने के लिए। कह रहे हैं देखो प्रोबेबिलिटी में ये बोला गया क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल बनेगा, तो हम उसी को लेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि कॉलेज को एजुकेशनल बना दें, क्योंकि एक बच्चा सोचेगा यहाँ पे आगे कि सर अगर ए जीता तो 0.3% ही तो है, मतलब 0.3 है, लेकिन 0.7 नहीं है कि वो को एजुकेशनल नहीं बने, बट हम यहाँ पे 0.3 लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं को एजुकेशनल बन जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए ना, यस और नो। अगर वो ये होता कि कॉलेज को एजुकेशन नहीं बने तो यहाँ पे 0.7 लिया जाता, यहाँ 0.5 और यहाँ 0.2, क्या चमका। तो बस अब आंसर आ गया, पी ए की वैल्यू क्या है 4/9।
और ई बाई ए की का 0.3 मतलब 3/10, और का मतलब क्या होता है जी, प्लस होता है, बी का मतलब 2/9 और ई बाई बी कितना है 5/10 प्लस सी का मतलब क्या 3/9 और ये कितना 8/10। तो चारते 12 90, 5 × 2 = 10 90, 8 × 3 = 24 और ये 90, तो जोड़ दो 24 46/90। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि स्कूल है वो को एजुकेशनल बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इंट्रोड्यूस को एजुकेशनल कॉलेज, मतलब को एजुकेशनल कॉलेज तो बनेगा, मतलब को एजुकेशनल कॉलेज बनेगा, मतलब बन चुका है, लेकिन किसके द्वारा बने, बी के द्वारा। तो ये बन गया बेस थ्योरम, यस और नो, मतलब यहाँ एक कंडीशन गिवन है कि को एजुकेशनल तो बनेगा लेकिन किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो यार देखो बहुत कराए, अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पी वी, अब हमको पता है कि बी जीत चुका है, फिर कॉलेज को एजुकेशनल बनाना है, अपॉन नीचे टोटल तीनों के लिखते जाओ, मतलब ए जीत चुका है फिर ए बनाएगा को एजुकेशनल, या फिर बी जीत चुका है और बी बनाएगा को एजुकेशनल, या फिर सी जीत चुका है और सी बनाएगा को एजुकेशनल कॉलेज। तो पी बी 2/9, बी जीत चुका है और ई 0.5 मतलब 5/10 टोटल में, ए वाले छाप दो सारे, ए कहाँ गया हमारा 4/9 और ए वाला क्या 3/10 प्लस 2/9 5/10। अब सी वाला लो भैया 3/9 और 8/10। चलो जी इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 10/90 ये हो गया 12/90 प्लस 10/90 प्लस 24/10, तो ऊपर हुआ 10/90 और ये हो गया 46/90, तो 10/42 से कट हो रहा, काट दो नहीं पे छोड़ो जैसा आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन समझो बस ये। अच्छा देखो यार, मैंने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से करा, तुमको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, बट प्रोबेबिलिटी कि जिसकी पूछी जाती है हम उसको ऊपर रखते हैं हमेशा। ठीक है, अब सर ये क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये था हमारा बेस थ्योरम का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है भैया, डाउट है तो यार देख लो यार, अब ये वही बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे जिनको बेसिक आता है, अब जिनको बेस थ्योरम ही नहीं पता उन्हें तो पक्की बात दिक्कत होगी। पहले तो हम आपको ये बता दें ये आपके सिलेबस का ही है और ये 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 13.4, जिसमें मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना, वेरिएंस आउट ऑफ सिलेबस है। मीन का यार एक और नाम होता है एक्सपेक्टेशन, ये भी ध्यान रख लेना है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते या ई एक्स से रिप्रेजेंट कर देते, एक मतलब चारों में से कुछ भी आ सकता है कि फाइंड म्यू या फाइंड ई एक्स या फाइंड एक्सपेक्टेशन या फाइंड मीन। ठीक है भैया, और मिडिल टर्म या एवरेज ये भी इसका नाम होता है। तो चलिए कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ते कह रहे हैं, अ कॉइन इज बाइज्ड, मतलब यहाँ साफ साफ बोला गया जो कॉइन है ना भैया वो बाइज्ड है, मतलब वो पक्षपात करेगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं। क्या है, कह रहे सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल, टेल जितनी बार आता है उससे हेड 3 times ज्यादा आ रहा है, यस और नो, क्या चमका। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक्स है तो भाई साहब ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 3x नहीं हो जाएगी, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा जी, अगर टेल, अगर आपने किसी भी कॉइन को टॉस किया है भले वो वाइज्ड है या फिर अनवाइज्ड है, आएगा हेड और टेल ही आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या भाई साहब 1 नहीं होगा, यस और नो, तो 4x 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/4, तो मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डियर 1/4 और हेड आने की कितनी होगी जी, ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस लिख लो, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, गॉट इट। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल दिया गया है, नंबर ऑफ टेल रैंडम वेरिएबल को किससे इंडिकेट करते थे, कैपिटल एक्स से, और ये क्या है जी नंबर ऑफ
टेल्स। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पे कि भैया ये रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ टेल्स की मतलब कितने टेल्स आ सकते हैं इनके एक एक सैंपल पॉइंट को देखो, इनको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर टेल कितने, टू, यहाँ वन और यहाँ जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो, वन और टू, यस और नो। अगर नंबर ऑफ टेल्स की बात है ना, अगर इस सैंपल पॉइंट की बात करें, नंबर ऑफ टेल क्या, जीरो, इसकी बात करें तो वन, इसकी बात करें वन, इसकी बात करें टू, तो वन वन दो बार, तो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या, तो एक्स लिखो और उनके हर सैंपल पॉइंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है और टू हो सकती है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ टेल जीरो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, नंबर ऑफ टेल जीरो तो पक्की बात है, बात कर रहे हैं इसकी एच एच की, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है, तो भैया ऐसा मत करना, समझो कि ऐसा मत करना कि एच एच एक बार है और ये चार है तो 1/4, नहीं। ये फॉर्मूला सुनो ध्यान से, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, खैर मुझे नॉलेज वाली बात करनी नहीं चाहिए, बट जल्दी से बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता था ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, भाई साहब वो केवल तभी लगता है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया, अब नहीं लगे। अब अगर आपने 1/4 किया तो बेकार है फिर, तो अब कैसे करते। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, हेड आने की 3/4 और दूसरे हेड आने की मल्टीप्लाई 3/4, तो इसका आंसर आएगा 9/16, यस और नो। अब 1/4 नहीं होगा। अच्छा, वन की बात करें तो इसमें एच टी होगा और इसमें क्या होगा, टी एच होगा। तो एच पहले एच टी का, एच का मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और टेल आने की प्लस टेल आने की, तो ये कितना हो गया, 3 × 3 = 6/16। अब देखो पढ़े लिखे आदमी टू की वैसे निकाल भी सकते हैं और ना भी निकालो, हम ऐड कर, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। 9 + 6 कितना हो गया, 15, तो 1/16 होगा, तभी तो 16/16 होगा। और वैसे भी चेक कर लो, चलो चेक कर लेते, टू का मतलब टेल आने की, तो पी टी टी टेल आने क्या, 1/4 और दूसरे का भी 1/4, मतलब 1/60। तो ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। अब ये कह रहे यार मीन भी फाइंड करो, तो मीन क्या कहता है, मीन ये कहता है कि इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो। फॉर्मूला बनाने का बना सकते सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। अब आप कहो सर ये, अरे भैया इनका आपस में मल्टीप्लाई करके सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, तो बस इनका मल्टीप्लाई करिए। चलिए ये तो जीरो हो गया, प्लस इसका 6/16 और ये 2/16, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8/16, मतलब 1/2। अच्छा एक बार और सुना, ये हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं, तो ये दिमाग में लेके मत चलना कि इसका जो आंसर आएगा वो जीरो और वन के बीच में। मीन का आंसर लाखों में, माइनस में, करोड़ों, कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो चलो आंसर 1/2 आ गया, बट आप ऐसा मत सोचना कि मीन निकाल रहे हैं तो मतलब आंसर जीरो और वन के बीच में, नहीं भैया मीन है यार ये, तो इसके तो आंसर इन्फाइनाइट हो सकते हैं, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा होता है। डाउट बताओ, मल्टीप्लाई वगैरह ठीक है ना हमने, डाउट दाई डाउट सिलेबस का ये ना, ठीक है। देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th का, चैप्टर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। कह रहे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन x। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ हम लोगों ने क्लास 11 चैप्टर 3 में पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में। तो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ जो बनता है, यही साइकिल हमारी चलती रहती है, और जो अपर वैल्यू उसकी होती है वो होती है +1 और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है इसकी -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू देता है वो π/2 पर देता है, और पाई पर वैल्यू इसकी 0 होती है और ये हमारा 2π होगा। तो हमको जो एरिया फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2π, तो 2π मतलब यहाँ तक, आपको ये और ये एरिया आपको फाइंड करना है। और हमको ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, मतलब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो इसका एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज मैं इसका नाम देता हूँ ओ, स्टॉप पॉइंट को देता हूँ ए एंड बी। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं इसमें। तो सपोज मैंने ये स्ट्रिप ली इस तरीके से ये। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि एरिया
ऑफ द स्ट्रिप, तो स्ट्रिप का एरिया होगा एल इन टू बी होता है क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल ही होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इन टू बी। तो ये जो लाइन है ये किस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक्स पे, तो इसको डी एक्स लेंगे और इसकी लेंथ को हमने वाई किया तो ये इसका एरिया हो गया। और अगर ये तो एरिया ऑफ स्ट्रिप है, अगर पूरे का हम एरिया लेंगे तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ पोर्सन, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये डी एक्स है, एलिमेंट क्या है डी एक्स, तो आप ये देखना है कि इसकी जो लिमिट है वो एक्स एक्सिस में लोअर और अपर कहाँ तक जाएगी, तो जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक ये घूमेगी, तो जीरो से पाई एंड वाई इंटू डी एक्स। अब एलिमेंट तो एक्स में है, फंक्शन वाई में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट वाई इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो अब देखिए फंक्शन क्या दिया, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या हम वाई की जगह साइन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये साइन एक्स एंड डी एक्स, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, फिर अपर लिमिट एक बार माइनस लोअर। अब ये माइनस साइन है, माइनस को हम लोग बाहर भी लगा सकते हैं, माइनस को आप बाहर लगा दिए, तो यहाँ से देखिए एक बार माइनस तो है, एक बार अपर लिमिट मतलब कॉस पाई और माइनस कॉस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है यार, पता होना चाहिए, कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो ये माइनस 2, ये प्लस 2 हो गया। स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना, अदरवाइज स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये जो एरिया निकल गया है वो इस पोर्शन का निकल गया है। अगर कंप्लीट एरिया कोई आपसे पूछे, होल एरिया अगर कोई भी आता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।